रोहिणी के कोर्ट रूम नंबर 102 में हुई है लैपटॉप ब्लास्ट की घटना। आपको बता दें कि व्यक्ति के पैर में चोट लगने की भी खबर है और घटनास्थल को पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई है और जांच पूरे मामले पर शुरू कर दी गई है। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो एक बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें रोहिणी कोर्ट के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है, एक लैपटॉप में ये ब्लास्ट हुआ है और बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट में एक व्यक्ति के पैर में चोट भी लगी है। इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। तो रोहिणी कोर्ट के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है, एक लैपटॉप के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है, कोर्ट रूम नंबर 102 में लैपटॉप में ब्लास्ट हुआ है, एक व्यक्ति के पैर में चोट लग गई है, घटनास्थल को पुलिस द्वारा घेराबंदी कर लिया गया, जांच पड़ताल पूरे मामले पर शुरू की गई है और सूचना के बाद दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, दिल्ली से खबर है। आपको बता दें रोहिणी कोर्ट में ये एक ब्लास्ट हुआ है और लैपटॉप में ब्लास्ट हुआ है। और मैं तो कुछ देर बाद पहुंचा हुआ क्योंकि मैं अपना काम में बिजी था, तो मैं जैसे ही मैं कोर्ट के अंदर गया तो वहां पे काले कलर का बैग, जैसे पिट्ठू बैग होता है, बच्चे स्कूल बैग या कॉलेज बैग कह लीजिए, वो एक्चुअली वहां नीचे पड़ा हुआ था और ऊपर से फटा हुआ, और उसके अंदर जो कुछ डॉक्यूमेंट थे वो हटके बिखरे पड़े थे, और एक बैटरी जैसे यूपीएस की बैटरी या फिर जो बाइक में जो बैटरी रखते हैं उस टाइप की एक बैटरी वहां पे पड़ी हुई थी, और प्राइमा फेशिया ये लग रहा था कि शायद उस बैटरी में ब्लास्ट हुआ किसी वजह से। ललित कुमार, ये बताइए कितने बजे की, ये लगभग 10:30 से 11 बजे की बात है आज, और एकदम से बहुत ज्यादा बहुत जोर का धमाका हुआ। हम लोग जस्ट बैक साइड में थे उसी कोर्ट के, तो जैसे ही उस कोर्ट की तरफ आगे बढ़े तो पता चला कि ऐसा लगा गोली चली है। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई पहले कि गोली चली है, लेकिन जब जैसे कोर्ट के पास गए तो पता चला कि गोली नहीं चली है, और कोई लैपटॉप था किसी का, वो काफी देर से सुबह से चार्जिंग पे था, वो ब्लास्ट हुआ है। लेकिन जैसे ही और रिसेंटली अपडेट्स आई और वहीं कोर्ट में जैसे बिल्कुल अवैध उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गया। अवैध, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए, आखिर क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते यहाँ पर इस लैपटॉप में ब्लास्ट हुआ है और कैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है अभी? देखिए, आज सुबह लगभग 10:40 के आसपास रोहिणी कोर्ट में कोर्ट नंबर 102 में एक ब्लास्ट हुआ। शुरुआत में ये बताया जा रहा था पुलिस के अधिकारियों की तरफ से कि हो सकता है कि ये एक लैपटॉप ब्लास्ट हो, लेकिन जिस तरह से वहाँ जांच आगे बढ़ी है और अभी जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो यही आ रही है कि इसको छोटा आईडी ब्लास्ट जो है वो माना जा रहा है, इस तरह के संकेत मिले हैं, क्योंकि एक छोटे से टिफिन का एक ढक्कन जो है वो बरामद हुआ है, बैग में से इसके आसपास जो है वो छर्रे बिखरे हैं, और जिस व्यक्ति को कोर्ट में जो व्यक्ति घायल हुआ, दो लोग घायल हुए थे जिसमें से एक व्यक्ति को कई छर्रे जो है उसके पैर में भी लगे। साफ तौर पर अभी आधिकारिक बयान जो ईडी के टॉप हमारे माफ करिएगा स्पेशल सेल के जो टॉप अधिकारी हैं उनसे बात की थी, उन्होंने यही कहा है कि कोर्ट में एक छोटा आईडी ब्लास्ट की संभावना जो है वो हो सकती है, हालांकि इसके लिए भी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। तो उनका ये भी कहना है कि आईडी को जिस तरह से एक रखा गया था वो हो सकता है सही से बन नहीं पाई हो, इस वजह से ब्लास्ट की इंटेंसिटी जो है वो बहुत धीमी रही हो, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जवान जो है वो मौके पर मौजूद है और लगातार छानबीन जो है वो यहाँ पे की जा रही है। बिल्कुल, अब ऐसे इस पूरे मामले पर आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, स्पेशल सेल के टॉप अधिकारी से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि इसमें छोटा क्रूड बम जैसा आईडी ब्लास्ट करने की कोशिश जो है वो की गई है, लेकिन फिलहाल जांच जो है वो प्रारंभिक स्तर पे है, इसलिए फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। आप नजर में रखिए, सबसे अपडेट देते रहेंगे, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बुधवार